हेलो एवरीबॉडी, वार्म वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारे पिछले लेक्चर में हमने प्रनाउन के कुछ रूल्स डिस्कस किए थे। प्रनाउन होता क्या है ये डिस्कस किया था, तो आज हम उसके लेफ्ट ओवर रूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और कुछ जो छोटी मोटी बची हुई चीजें हैं प्रनाउन की उसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैं आपको लेक्चर शुरू करने से पहले बता दूं, जो रूल्स आज हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए हमें सबसे पहले टाइप्स पढ़नी पड़ेंगी प्रनाउन की। अगर हम लोगों को टाइप्स क्लियर हो जाएंगी तो जो रूल्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट टाइप देखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है यहाँ पे वो है पर्सनल प्रनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रनाउन में हमारे सारे के सारे पर्सन कवर होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें जितने भी वर्ड्स आते हैं कौन कौन से पर्सन होते हैं, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही, शी, इट, दे, ये जो वर्ड्स है हमारे, ये सारे के सारे हमारे पर्सनल प्रनाउन में कवर होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इनडेफिनेट प्रनाउन की। जो इनडेफिनेट प्रनाउन है ये रेफर करता है नॉन स्पेसिफिक पर्सन्स और नॉन स्पेसिफिक थिंग्स को, जैसे इसमें वर्ड्स यूज होते हैं वन, सम, एवरीबडी, एनी, नन, ऑल, बोथ, ऐसे वाले वर्ड इसमें यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन की। द प्रनाउन्स which separate a person or a thing from a group of a person or thing are called distributive pronoun. ऐसा वाला pronoun जो आपके persons को या things को उनके group से separate करे वो pronoun आपका कौन सा कहलाता है? Distributive pronoun कहलाता है। इसमें आपके words आते हैं either, neither, each, और भी बड़े सारे words हमारे पास, everyone of, anyone of, ठीक है, ऐसे words जो हमारे, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? आपके distributive pronoun में आते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास यहाँ पे प्रनाउन की वो है रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन में क्या रहता है? जब कोई सब्जेक्ट अपने ऊपर ही कार्य करता है तो वो क्या बन जाता है? आपका रिफ्लेक्सिव प्रनाउन बन जाता है, मतलब व्हेन समथिंग डज समथिंग टू इटसेल्फ। ठीक है, और इसमें हमारे कौन कौन से प्रनाउन आते हैं? हिमसेल्फ आ गया, इटसेल्फ आ गया, माई सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? कुछ आपके रिफ्लेक्सिव प्रनाउन आ गए। उसके बाद बात हम करेंगे यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रनाउन्स की। इंटरोगेटिव प्रनाउन्स ऐसे वाले प्रनाउन्स हैं जो क्वेश्चन पुट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे हुम आ गया, विच आ गया, हुम आ गया। ओके, आई होप कि सबको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलिए अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रनाउन के बारे में। एक्सक्लेमेटरी प्रनाउन होता क्या है? ठीक है, टू एक्सप्रेस द सडन इमोशन, जब हम लोग सडनली ऐसे एक सडन सा रिएक्शन देते हैं, व्हाट, हाउ, तो उस टाइम पे हम लोग क्या यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी प्रनाउन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव प्रनाउन के बारे में। ठीक है, अ रिलेटिव प्रनाउन इज यूज टू स्टार्ट अ डिस्क्रिप्शन फॉर अ नाउन, मतलब पहले आप किसी के बारे में बात कर चुके हो, जब आप उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हो या उसके बारे में कुछ बता रहे हो तो जो प्रनाउन आप लोग यूज कर रहे हो उसके बीच में वो आपका क्या बन जाता है? रिलेटिव प्रनाउन। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे, हूं आ गया, विच आ गया। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा है। चलिए उसके बाद देखते हैं रेसिप्रोकल प्रनाउन। रेसिप्रोकल प्रनाउन हमारे पास कौन सा होता है? रेसिप्रोकल प्रनाउन्स आर दोज विच शोज अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप, जो आपके किसी म्यूचुअल एक्शन को शो करें या किसी के रिलेशनशिप को शो करें। ये हमारे पास दो ही होते हैं। ठीक है, वन एन अदर और ईच अदर। ठीक है, आई होप की क्लियर हो गया। जैसे मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको एक, रिया एंड रमन गेव ईच अदर प्रेजेंट्स ऑन द ओकेशन ऑफ फेयरवेल सेरेमनी। ठीक है, यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रही है और ईच अदर वर्ड आ चुका है, मतलब उनके बीच में क्या हो रहा है? एक म्यूचुअल एक्शन हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन के बारे में। ठीक है, जो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, प्रनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन आर द प्रनाउन्स विच बिहेव आइदर एज अ प्रनाउन्स आर अ डिटरमाइनर। ठीक है, या तो ये प्रनाउन की तरह एक्ट करता है या ये डिटरमाइनर की तरह एक्ट करता है, मतलब किसी के बारे में पूरा डिटरमाइन करके बताना। चलिए अब हम बात करें यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन के बारे में। डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन में हमारे वर्ड आते हैं दिस, दीज, दैट, दोज। डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन हमारा क्या होता है? जब भी हम किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करते हैं और जो वर्ड्स यूज करते हैं उसको पॉइंट आउट करने के लिए, जैसे ये दिस, दीज, दैट, दोज यहाँ पे है, तो वो हमारा क्या बन जाता है? डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पोजेसिव प्रनाउन की। पोजेसिव, देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है यहाँ पे, पोजेसिवनेस और पोजेसिव प्रनाउन। ठीक है,
जिस प्रनाउन में क्या हो पोजेसिवनेस शो हो रही हो वो हमारा प्रनाउन क्या होता है, पोजेसिव प्रनाउन होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको यहाँ पे, दिस इज हर पेन, दिस इज हर पेन, मतलब उसका पेन है ये। तो यहाँ पे हर जो है यहाँ पे क्या है, पोजेसिव प्रनाउन है। आई होप कि क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग रूल्स पे चलते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो रूल्स भी आपको इजिली क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रूल है, व्हेन अ प्रनाउन फॉलोज लेट वी यूज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रनाउन, सब्जेक्टिव फॉर्म शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर लेट। देखिए जब भी हमारा लेट शुरू में आ जाए और उसके बाद हमारे प्रनाउन्स आए तो वो प्रनाउन्स हमारे कौन सी फॉर्म में रहते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहते हैं, कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब भी हमारा लेट वर्ड आ जाए उसके बाद जो हमारा प्रनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ना कि सब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, अगर आप उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, उसको हमेशा कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं आगे। ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट यू एंड आई डिसाइड द मैटर वंस फॉर ऑल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेट वर्ड जो है वो आ चुका है और लेट वर्ड के बाद में हमारे दो प्रनाउन आ रहे हैं, यू भी है यहाँ पे और आई भी है। ठीक है, और आगे लिखा है डिसाइड द मैटर वंस फॉर ऑल। अब देखिए मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे ना कि सब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू की, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही रहती है तो यहाँ पे सही है। ठीक है, लेकिन आई यहाँ पे क्या है, गलत है। आई की जो हमारी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, मी। तो हमारा करेक्ट वन क्या बनेगा, लेट यू एंड मी डिसाइड द मैटर वंस फॉर ऑल। ठीक है, लेट यू एंड मी डिसाइड द मैटर वंस फॉर ऑल। आई होप कि ये रूल आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। बहुत ही सिंपल रूल्स है हमारे पास, द यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रनाउन शुड ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रनाउन है, मैंने आपको बताया वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रनाउन क्या होते हैं। ठीक है, जब कोई इंसान अपने ऊपर ही काम करे, ओके, तो वहां पे आपका जो प्रनाउन यूज होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रनाउन होता है। अब जो ये रिफ्लेक्सिव प्रनाउन है ये हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगेगा, आपके सब्जेक्ट को देख के ही लगेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप कि रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, बिकॉज कि अगर रूल क्लियर होगा तभी आपको एग्जाम्पल्स भी क्लियर होंगी। ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉन्ट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ और देमसेल्फ। देखिए यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो रही है, डायरेक्टर्स की बात। ठीक है, एस लगा है साथ में, ज्यादा है। अब एक बोर्ड में डायरेक्टर तो ज्यादा ही होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स want all possible facilities and allowances for। अब यहाँ पे ज्यादा लोगों की बात हो रही है, ओके, तो हम लोग यहाँ पे itself का यूज तो कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे हम लोग themselves का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज होगा आपका, themselves यूज होगा। अब देखिए जो करेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉन्ट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर themselves। आई होप कि क्लियर हो गया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट रूल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रूल है, इफ टू आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कनेक्टेड विद इधर और निदर नॉर नॉट ओनली देन वी यूज वर्ब एंड प्रनाउन अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए जब भी हमारे दो आइडेंटिकल पार्ट्स स्पीच के आपस में जुड़े होते हैं इन वर्ड्स के साथ, इधर और निधर नॉर नॉट ओनली, ठीक है, इनके साथ जुड़े होते हैं, तो उस केस में जो हमारा वर्ब और हमारा जो प्रनाउन होता है वो हमेशा किसको देख के लगाया जाता है, हमारे सबसे पास वाले सब्जेक्ट को देख के लगाया जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, उससे क्लियर होगा आपको। ओके, निधर रमन नॉर हिज फ्रेंड्स वॉज इंजॉइंग द पार्टी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो जो यहाँ पे है पार्ट ऑफ स्पीच है किसी भी सेंटेंस की, से रमन आ गया, बाकी वाला सेंटेंस आ गया, ये आपस में जुड़े हैं दो वर्ड्स के साथ, निदर नॉर के साथ। ठीक है, निदर और नॉर के साथ जुड़े हैं। अब जो हमारा वर्ब रहेगा वो हमारा सबसे पास वाले सब्जेक्ट को देख के लगाया जाएगा। अब हमारा पहला सब्जेक्ट यहाँ पे रमन, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, हिज फ्रेंड्स।
ठीक है, यहाँ पर उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं सेकंड सब्जेक्ट, तो जो हमारा ये वर्ब है ये पास वाले सब्जेक्ट को देख के लगाया जाएगा, तो वॉल्स के पास कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू मतलब फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे वॉज तो यहाँ पे क्या है रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या आएगा वर, तो करेक्ट क्या बनेगा, नितर रमन नॉर हिज फ्रेंड्स वर एंजॉयिंग द पार्टी। आई होप कि क्लियर हो गया। When relative pronouns who, that and which are used, अब आपको पता है relative pronouns क्या होते हैं, relative pronouns आपके वो होते हैं जब भी आप किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब आप उसका description देने लगते हैं तो जो pronouns आप लोग use करते हैं उसमें, जैसे ये who है, that है, which है, वो क्या होते हैं आपके relative pronouns होते हैं, ठीक है। If the subject is singular, अगर आपका subject singular होगा तो आपका verb भी क्या होगा singular होगा, अगर आपका subject plural होगा तो आपका verb भी क्या हो जाएगा plural हो जाएगा। चलिए example देखते हैं। Okay, he is the only one of those employees who is always on time. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे he is the only one, ठीक है, यहाँ पे हमने he के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, वो एक अकेला ऐसा employee है जो क्या होता है टाइम पे आता है, तो उस अकेले employee के बारे में बात हो रही है, मतलब एक सिंगल सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे वर्ब है वो भी क्या है सिंगुलर है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता ही इज वन ऑफ दोज एम्प्लॉयज, अगर यहाँ पे ही इज वन ऑफ दोज एम्प्लॉयज होता तो इन दैट केस हम लोग यहाँ पे आर का यूज करते, क्योंकि वो भी सबके बीच में इंक्लूड हो रहा था, वो कोई अलग नहीं था। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे हूं जो लगा है वो ही के लिए लगा है, उस सिंगल इंसान के लिए लगा है, इसीलिए हमारा जो यहाँ पे वर्ब है वो भी क्या है सिंगुलर है, मतलब इज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ओके, आफ्टर इफ We always use the subjective case of pronoun. जब भी हम लोग क्या करते हैं if का use करते हैं तो उसके बाद भी हम लोग pronoun कौन सा use करते हैं subjective case वाला pronoun use करते हैं, ठीक है। चलिए example देखते हैं आगे। Okay, if I were her, I would have run in the marathon. ठीक है, देखिए if I were, if यहां पे आ चुका है, if were यहां पे आ गया है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं एक आई है और एक हर है यहाँ पे, ठीक है, दो हमारे पास क्या आ रहे हैं सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, या आप कह सकते हैं प्रनाउन्स आ रहे हैं, तो आई है यहाँ पे, आई जो है वो ठीक है क्योंकि इफ के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, तो आई यहाँ पे क्या है ठीक है, लेकिन हर यहाँ पे लड़की की बात हो रही है, अब ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है हर यहाँ पे, तो हम इसको क्या करेंगे सब्जेक्टिव बनाएंगे, तो जो हमारे पास करेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इफ आई वर शी आई वुड हैव रन इन द मैराथन, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट रूल देखते हैं। ओके, सिंगुलर प्रोनाउंस मस्ट रिमेन सिंगुलर थ्रू आउट द कंप्लीट सेंटेंस, बोल रहे हैं कि जो आपके सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं वो आपके सिंगुलर ही रहते हैं ऑल ओवर द सेंटेंस, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस में वो क्या रहते हैं सिंगुलर रहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, Someone has to take the responsibility and have to fulfill it well. देखिए someone यहाँ पे एक सिंगल इंसान के बारे में बात हो रही है, someone, ठीक है, has मतलब ये सिंगुलर में जा रहा है सेंटेंस, अगर ये सिंगुलर में जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे have का यूज नहीं कर सकते, have का यूज यहाँ पे क्या है रॉन्ग है, ये प्लूरल सेंस दे रहा है यहाँ पे, तो जो हमारे पास करेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, someone has to take the responsibility and has to fulfill it well. आई होप कि क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट रूल है हमारे पास यहाँ पे, व्हेन वी यूज वर्ड एवरी विद एनी सब्जेक्ट इट शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन। देखिए जब भी एवरी वर्ड आ जाएगा किसी भी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, एवरी वर्ड आ गया किसी सब्जेक्ट के साथ, उस केस में जो आपका वर्ब होगा वो क्या होगा सिंगुलर होगा और आपका प्रोनाउन भी क्या होगा सिंगुलर होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब भी एवरी वर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ आ जाता है उस केस में जो हमारा वर्ब रहता है वो भी सिंगुलर होता है और प्रोनाउन है वो भी क्या रहता है सिंगुलर रहता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। Every teacher and every student of this college is determined to do their best for the glorious prospect of the college. ठीक है, देखिए यहाँ पे every word आ चुका है, every teacher और यहाँ पे every student.
ठीक है, एवरी टीचर और एवरी स्टूडेंट, यहाँ पे एवरी एवरी दोनों जगह पे ये वर्ड आ चुका है। इस केस में जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर होगा, पहले ये देखते हैं हमारा वर्ब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर ही है। उसके बाद हम प्रोनाउन देखते हैं, प्रोनाउन यहाँ पे देयर यूज हुआ है जो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन भी यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या यूज होगा आपका, हिज यूज होगा, ठीक है। चलिए जो करेक्ट है वो क्या बनेगा, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गई हो। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको जो भी अभी पढ़ाया लेक्चर में वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप प्रैक्टिस भी करेंगे उसके ऊपर। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग मी। हम फिर से मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय।